गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्रिकव्यू में। मैं शुभम पाड़े, आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्ट आर्म पेसर जयदेव उनादकट। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, इंडिया के लिए भी इन्होंने मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस खेले, T20 खेला, ODI खेला। और 2010 में, आपको बता दें, 2010 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना डेब्यू किया था, एक टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद से अभी तक जयदेव लगे हुए हैं किस तरह से। तो सबसे पहले जयदेव, मैं जानना चाहूँगा कि एज एन लेफ्ट आर्म आप खलील अहमद को भी देखते हैं और खुद को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जहीर खान के बाद अभी भी टीम इंडिया में एक लेफ्ट आर्म बॉलर की वैकेंसी है, तो इसमें आपकी अपनी बॉलिंग में क्या USP है, आप एज एन लेफ्ट आर्म पेसर किस तरह से अपनी बॉलिंग को देखते हैं? तो आई थिंक एडवांटेज रहता ही है बीइंग अ लेफ्ट आर्म पेसर। बॉलिंग अटैक में वैरायटी भी रहता है अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर शामिल होता है। मेरी कोशिश वैसे वही रहती है हमेशा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करता रहूं। और जहीर भाई, जिन्होंने इतना अच्छा किया इंडिया के लिए, टू फिल हिज शूज इज़ अ बिग थिंग, बट देन उनसे भी सीखना और वो जो करते आए थे वो करना इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर माय एंगल का फ़ायदा उठाना, जो एक लेफ्ट आर्म पेसर को फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जयदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आईपीएल में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, स्लो बाउंड लेग कटर, स्लो बॉल लेग कटर, ऑफ कटर, इन स्विंग, तो आप यॉर्कर, तो आप अपनी बॉलिंग में किस एक डिलीवरी को सबसे ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, जिसको लेकर आप आगे जाना चाहते हैं? आई थिंक आजकल लोग नकल बॉल डाल रहे हैं ज़्यादा, वो जो हाँ, जो सक्सेसफुल भी हो रहा है, आई थिंक वो एक डिलीवरी है जो मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ उसमें अच्छा कर सकूँ, वो डेवलप कर सकूँ। तो उसके अलावा मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप कर सकूँ और उसके उसको यूज़ करके ही मैं अच्छा करता रहूँ, वही मेरी कोशिश रहती जी है। जी हाँ, हमने खलील को भी देखा, खलील भी कई सारे वेरिएशन पेश कर रहे हैं। आपने नकल बॉल बताया, नकल बॉल में हमारे बसिल थम्पी भी हैं जो कि वो भी काफ़ी अच्छा नकल बॉल यूज़ करते हैं। तो अभी आपने अभी तक विजय हजारे की ट्रॉफी में नकल बॉल का इस्तेमाल किया? हाँ जी, मैंने शुरू कर दिया इस्तेमाल करना और अच्छा निकल भी रहा हाथ से, बट आई नीड टू डेवलप इट मोर, आई नीड टू वर्क ऑन इट मोर इन द नेट्स एंड दैट आई विल डू इन द गेम्स कमिंग अप। 2019 में वर्ल्ड कप है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी राइट आर्म पेसर जसप्रीत बुमराह, भूवी, ये सभी नकल बॉल यॉर्कर सब में काफ़ी महारत हासिल है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और इंडिया में अभी तीसरे सीमर की भूमिका हार्दिक पांड्या निभा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होना है जहाँ पे 3 पेसर्स खिलाए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस होगा विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करके, फिर रणजी सीजन में प्रदर्शन करके, कहीं ना कहीं 2019 अभी माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, या अभी सिर्फ टोटल विजय हजारे पर ही फोकस है? आई थिंक वर्ल्ड कप के बारे में सोचना, उसको लेके खेलना, उस हिसाब से खेलने में प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। मैं वही ट्राई करता हूँ, जो भी मैच मैं अभी खेल रहा हूँ, जितने भी मैच मेरे को मिल रहे हैं उसमें मैं कुछ नया कर सकूँ, कुछ डेवलप कर सकूँ, मेरी अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकूँ और रिजल्ट्स भी मिलते रहे, मेरे को ये विजय हजारे में भी मिले, तो आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई नीड टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड ऑन माई फिटनेस एज वेल एंड ऑन माई फिटनेस एज वेल और धीरे धीरे वो सब आता रहेगा तो इट विल ऑल फॉल इन प्लेस। बाद में देखा आएगा, वर्ल्ड कप भी आएगा, तो विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जी, तो मतलब वर्ल्ड कप से पहले IPL भी है, आपका 2017 सीजन काफ़ी अच्छा गया, 18 तो कुछ खट्टा कुछ मीठा जैसा गया, तो अब कहीं ना कहीं IPL 2019 भी, जो कि जस्ट वर्ल्ड कप से पहले खेला जाना है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके का बहुत बड़ा मंच है, वहाँ से भी फिर टीम में सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे खिलाड़ी उस पर फोकस कर रहे हैं कि अभी नेक्स्ट IPL आने वाला है और टीम में इस तरह के कई सारे बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत करनी है टीम को बॉलिंग को लेकर के, स्पेशली बैटिंग में है, ऑलराउंडर भी ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं उस पे भी आपका फोकस रहेगा IPL पे भी कि किस तरह से उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। हाँ जी, जैसा मैंने कहा, आई थिंक जो भी मैच मेरे को मिलेंगे आई ट्राई एंड डू माय बेस्ट। अभी इसके बाद रणजी ट्रॉफी आएगा, उसके बाद IPL आएगी, आई थिंक आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट, एक वन मैच एट अ टाइम एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। जी, तो ये थे हमारे साथ जयदेव उनादकट, जो कि अब अपनी नकल बॉल को डेवलप करके आगे आने वाले समय में टीम इंडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ये तब तक के लिए धन्यवाद।